धर्मांतरण के मामला जो चल रहा है उसको लेकर के आज हम लोग स्थगन दिए थे और स्थगन पर हम लोग चर्चा किए, साथ ही आग्रह भी कर रहे थे कि इसको स्वीकार किया जाए, उसके बाद चर्चा कराई जाए। धर्मांतरण एक बड़ी समस्या है प्रदेश के लिए, खास करके यहाँ के जो संस्कृति है, यहाँ धर्म है और बाकी चीज़ों को जो नष्ट करने का, खंडित करने का प्रयास उसके द्वारा किया जा रहा है। इस बात को सुकमा एसपी के द्वारा पत्र लिख करके अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिस प्रकार के माहौल बन रहे हैं कि ग्रामीणों के बीच में और धर्मांतरण करने वालों के बीच में संघर्ष की स्थिति पैदा ना हो जाए। वास्तविक में मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को लेकर के मैंने तो मांग भी किया है कि हाई कोर्ट के जज के अध्यक्षता में और नहीं तो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए और कमेटी बना करके इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आने वाले समय हम जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के मामला देख रहे हैं, असम का मामला देखें और जिस प्रकार से यहाँ पर अंबिकापुर में रोहिंग्यों के द्वारा जो वहाँ अनधिकृत रूप से जो बसा गया है, इसी प्रकार से पूरे प्रदेश में एक बड़ा चिंता का विषय है और इस विषय को लेकर के आज हम लोग ये चाह रहे थे। इसके लिए इस कमेटी बनाई जाए हाईकोर्ट जज के अध्यक्षता में या रिटायर्ड हाईकोर्ट के अध्यक्षता में और वो कमेटी पूरे धर्मांतरण के मामले पर एक बार ये देखे कि लोग कहाँ से आए हैं, क्या किए हैं। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की यदि संस्कृति को बचाना है और यहाँ के मूल धरोहर को बचाना है तो ये आवश्यक है कि उसकी जाँच अभी से होनी चाहिए और उस पर रोक लगनी चाहिए। देखिए, प्रस्तुत करने के पहले उस पर बहुत सारे जो कंडिका पे उसके आपत्ति है, जिस प्रकार से विधेयक को लाया गया है और इससे लोगों का जो मूल अधिकार का हनन हो रहा है, इसलिए अपन चाहते थे कि पहले उन पे चर्चा हो जाए और उसका जवाब आना चाहिए, उसके बाद में प्रस्तुत होनी चाहिए। किंतु आने वाले समय में इस पर कल विस्तार से चर्चा होगी और इसलिए हम लोग चाहते थे कि आज जो उस कंडिका में जो आपत्तिजनक है कि जिसके लिए लोगों का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, उस पर पहले डिस्कशन हो जाए, चर्चा हो जाए, लेकिन कल उस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से ये न केवल कांग्रेस के लिए और मैंने कहा कि प्रदेश के लिए, बल्कि इस विधानसभा की जो गरिमा है और अल्प समय में छत्तीसगढ़ विधानसभा के